हटो यार, इनको करो, इनको करो, करो साइड से हटो। बच्चा कोई नहीं भाई, सिर्फ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक, इनको साइड में करो, कर दे भाई, कवर कर लेगा वीडियो आगे से भाई, देखिए कवर हो जाएगा ये वीडियो, लाइव चल रहा है, हो रहा है, थोड़ा सा ऊपर करके कर ले यार। यार ये मीडिया वाले सामने से हट जाओ यार, रे यार पूरी मीडिया हमारे लिए आए यार, हो रहे ठीक है, दो मिनट में हट जाएंगे, दो मिनट में हट जाएंगे। अन्याय के विरोध में अहिंसा के मार्ग से जो यहाँ आंदोलन चला रहे हैं, मैं आप सबके लिए धन्यवाद करता हूँ। लोकतंत्र को अगर मजबूत करना है, अन्याय अत्याचार के विरोध में अहिंसा के मार्ग से जितना हम कोशिश करेंगे आंदोलन के माध्यम से, उतना लोकतंत्र मजबूत होता है, और वो काम आप लोग कर रहे हैं। मुझे परसों महाराष्ट्र के रालेगंज सिद्ध में आपके तरफ से मैसेज मिल गया था, ये सिर्फ आपके लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मेरे जीवन में युवा शक्ति एक राष्ट्र शक्ति ऐसे मैं मान के आया हूँ, कि युवा शक्ति अगर जाग जाए तो कल का भविष्य दूर नहीं है, समाज का, इस देश का। मैं एक 25 साल का युवक था, मेरे पास कुछ नहीं, एक सोने का बिस्तर है और खाने का प्लेट है, लेकिन एक युवक क्या नहीं कर सकता है, बहुत कुछ कर सकता है समाज के लिए, देश के लिए। तो जब मुझे पता चला तो मैं पंत प्रधान जी को पत्र लिखा, जावड़ेकर जी जो मंत्री है उनको भी पत्र लिखा, और डिपार्टमेंट को भी लेटर लिखा। हम छुट्टी थी, आज भी छुट्टी है, कल हम देखेंगे कि सरकार क्या निर्णय लेती है। अभी मेरे टूर चल रहा है पूरे देश, यार चुप हो जा यार, उस टूर को देखते ही है, सरकार क्या निर्णय लेती है देखेंगे, समझेंगे, उसके बाद आगे के लिए हम लोग क्या करना वो तय करेंगे। मेरी विनती आप सबके लिए एक ही है कि हिंसा मत करो, अगर हिंसा कर दिया तो सरकार आपके आंदोलन को तोड़ देगी। आपके साथ जो सलूक हुआ, जो बर्ताव हुआ है, ये सिर्फ आपकी हानि नहीं है, पूरे देश की हानि है, ऐसे मैं मानता हूँ। क्योंकि आप में से कल के शासन प्रशासन चलाने वाले नवयुवक आप में से खड़े होने वाले हैं, उसमें अगर कॉपी होती है और काबिल नहीं ऐसे लोग सरकार में आते हैं तो क्या होगा समाज का और देश का, ऐसा प्रश्न मेरे सामने है। इसलिए मैंने जब ये पता किया और समझ लिया तो मैं पंत प्रधान जी को झट से लेटर लिखा और संबंधित मंत्री को भी लेटर लिखा। मेरी विनती है कि देश में जिनके साथ ऐसे बदसलूक हुआ है, जहाँ जहाँ कॉपी हुई है, आप, मैं ऐसे मानता हूँ कि देश में हर सेंटर से और शॉप पर आपका संबंध आया होगा, उसकी पूरी जानकारी निकालो, देश में कहाँ कहाँ ऐसे हुआ है और कहाँ कहाँ ये आंदोलन चल रहे हैं, इसके साथ जानकारी निकालो। आगे के लिए हम लोग देखेंगे कि क्या करना, हम ये अपेक्षा करते हैं सरकार ने स्वच्छ शासन, स्वच्छ प्रशासन अगर चलाना है तो ये कॉपी, इतना महत्वपूर्ण परीक्षा जो देश की परीक्षा देश में चल रही है, उसमें कॉपी होता तो क्या शिस्त है, क्या डिसिप्लिन है आपका, प्रश्न खड़ा हो जाता है। इससे देश की बड़ी बड़ी बहुत बड़ी हानि होगी, और इसमें मुझे लगता है कि करप्शन का हिस्सा है। कॉपी क्यों होती है, कॉपी होती है जो पेपर चल रहा है और वो पेपर के सब जानकारी बाहर निकलती है, वो ये कागज नहीं लेकर जा सकता अंदर, ऐसे समय पर ये जानकारी बाहर आती कैसे, इसकी जांच
सरकार ने ये सिर्फ कोई अधिकारी नियुक्त किया ऐसा नहीं, इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। सीबीआई जांच करके इसकी जांच होनी चाहिए। और दूसरी बात है, आगे ना हो ऐसे, आगे ना हो ये जो परीक्षा पेपर फूटता है ऐसे ना हो, इसलिए सिस्टम को बदलना है, व्यवस्था को बदलना है। ये सिर्फ एक पेपर फूट गया तो उस पर एक्शन ले लिया, इससे ये काम नहीं होगा। सिस्टम को बदलना पड़ेगा, व्यवस्था को बदलना पड़ेगा। कई सालों से